इस वीडियो में हम बात करेंगे टिपिकल रिप के फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपका लास्ट वीडियो में बताया कौन कौन सी रिप्स टिपिकल रिप्स होती है, 3rd to 9th। ओके, तो ये टिपिकल रिप के बारे में है, ये एक टिपिकल रिप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एनाटॉमिकल पोजिशन देखेंगे या फिर साइड डिटर्मिनेशन की ये लेफ्ट साइड की है या फिर राइट साइड की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटेरियर पोस्टीरियर कैसे डिटरमाइन करें। तो एकदम ईजी है, जो पोस्टीरियर एंड होगा आपका, उसमें आपको एक ट्यूबरकल देखने को मिलेगा। ये रहा, ये जो ट्यूबरकल है, ओके, ये सिर्फ पोस्टीरियर साइड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटेरियर साइड है। उसके बाद हम सुपीरियर इन्फीरियर कैसे डिटरमाइन करें, तो वो भी बड़ा ईजी है। जो आपका इन्फीरियर एंड होगा, ओके, इन्फीरियर एंड होगा, वहाँ पे एक ग्रूव रहेगा, जैसे कि क्लेविकल में ग्रूव था, सब क्लेवियन ग्रूव, वैसे यहाँ भी ये देखो, यहाँ पे ये ग्रूव है, ओके, एक ग्रूव जैसा है, ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है। अगर आप हाथ से फील करेंगे तो ज़्यादा आपको फील होगा, शायद दिखने में थोड़ा इतना नहीं दिखेगा। तो इसको बोलते हैं कॉस्टल ग्रूव, और जो कॉस्टल ग्रूव होता है वो इन्फीरियर साइड होता है। तो सुपीरियर इन्फीरियर आपको पता चल गया, एंटेरियर पोस्टीरियर पता चल गया, और मीडियल लेटरल कैसे डिटरमाइन करें, तो या फिर राइट और लेफ्ट कैसे डिटरमाइन करें, जो आउटर पार्ट होता है उसका वो कॉन्वेक्स होता है और जो इनर पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है। तो ये लेफ्ट साइड की है, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड की है, ओके। अगर हम उसे ऐसे करके राइट साइड करने जाएंगे तो ये आपका कॉस्टल ग्रूव है वो ऊपर आ जाएगा। अगर कॉस्टल ग्रूव को नीचे करने जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो रिब्स आती नहीं, ऐसे आती है, ओके। तो ये लेफ्ट साइड की टिपिकल रिब है। अगर हम उसके आगे के फीचर के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर एंड, इसको बोलते हैं एंटेरियर एंड, या फिर इसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्टर्नम से अटैच है, और इसको वर्टेब्रल एंड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वर्टेब्रास के साथ अटैच है। उसके बाद हम आगे देखें तो ये इसको बोलते हैं अपर बॉर्डर और ये लोअर बॉर्डर है, ओके, ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है, और लोअर बॉर्डर में जैसे कि मैंने आपको बताया ये है कॉस्टल ग्रूव। उसके बाद सरफेस की बात करें तो ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है, यहाँ पे मीडियल लेटरल नहीं है, ये आउटर सरफेस है बाहर की साइड, और ये इनर सरफेस है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, बीच में जो पड़ता है पार्ट उसको बोलते हैं शाफ्ट ऑफ द रिब। एंटीरियर एंड, सॉरी अगेन, पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर एंड, शाफ्ट ऑफ द रिब, फिर आउटर सरफेस, इनर सरफेस, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, और ये कॉस्टल ग्रूव। अगर हम यहाँ पे पोस्टीरियर एंड की बात करें या फिर वर्टेब्रल एंड की बात करें, यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ये हेड, ये नेक, और ये ट्यूबरकल। अगेन, ये हेड, ये नेक, और ये ट्यूबरकल। हेड और ट्यूबरकल के बीच में नेक होता है ऐसे। और अगर हेड की बात करें हम, तो हेड में यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है 2 फैसेट होते हैं, इसे अपर फैसेट बोलते हैं और इससे लोअर फैसेट बोलते हैं। ये दोनों वर्टेब्रा के साथ अटैच होते हैं, ओके, ये दोनों पीछे वर्टेब्रा के साथ अटैच होते हैं, अपर फैसेट और लोअर फैसेट, और बीच में जो ये लाइन है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। और अगर ट्यूबरकल की बात करें कि ट्यूबरकल से 5 सेंटीमीटर लेटरल यहाँ पे शार्प एंगल जैसा बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिब, ये पार्ट को बोलते हैं एंगल ऑफ द रिब, जहाँ पे एक शार्प एंगल बनता है। तो ये आपकी टिपिकल रिब है।